है, ज्ञान बिना मुक्ति करोड़ों कर्म से नहीं है। मुक्ति का साधन अगर है तो एकमात्र ज्ञान है, और ज्ञान को छोड़कर तुम यज्ञ करो, पृथ्वी का दान कर दो, स्वर्ण का दान कर दो, और भी नहीं अनेक प्रकार के साधन करो, लेकिन ब्रह्म और आत्मा की जब तक एकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। पृथ्वी गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वम ते मुक्ति न भवती जन्म मुक्ति। शंकराचार्य जी कहते हैं कि चाहे तुम ये कुंभ स्नान करो, गंगा के किनारे ही मकान बनाकर वहीं रह जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश में रोज स्नान करो, वहीं बैठ के ध्यान करो, लेकिन जब तक ब्रह्म आत्मा के एकत्व ज्ञान सोहम ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी साधन से कल्याण नहीं होगा। न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र मही विद्यते। इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस त्रैलोक्य में ज्ञान के समान और कोई पवित्र नहीं है। गंगा जिसको कहते हो वो भी पवित्र नहीं। और गंगा में डुबकी मारने से कल्याण का संबंध होता तो मछलियों की दुर्दशा न होती। मछलियों को तो जाल में पकड़कर और काटा जाता है लोगों के द्वारा। तो ये बाहर से एक साधन से और कहीं नग्न रहने से कल्याण होता तो ये सारे पशु पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर सब नग्न है, सबका कल्याण हो जाता। भीख मांगने से अगर कल्याण होता तो ये सारे भिखारियों का कल्याण हो जाता। तो ये सब बाह्य साधन से कल्याण का संबंध नहीं, वस्त्र त्यागने से कि वस्त्र बदलने से भी कल्याण का संबंध नहीं। कल्याण का संबंध तो है ये अपने को देह भाव से कर हमें देह का दर्शन इतना सा ही मोड़ लाना है, यू टर्न। यू टर्न का मतलब ऐसे जा रहे हो और ऐसे हो जाओ, बस रास्ते में यू टर्न होते जहाँ से तुम मुड़ सकते हो, ब्रेक जगह से तो नहीं, तो यहाँ यू टर्न ऐसा बना दिया जाता है यू। तो ऐसे अभी हमारी दृष्टि दृश्य में अटकी हुई है, परमात्मा तो अंतर में बैठा हुआ है मंदिर में, तो उसको जानने के लिए फिर दृष्टि को भी अंदर लाना होगा। जिससे मिलना है उसी के पास तो जाना है, ऑफिसर के पास में जाना है तो चपरासी के पास में कब तक बैठे रहोगे, चपरासी से अब ऑफिसर के पास जाओ। तो ये अपना आत्मा जो है इसी हृदय मंदिर में बैठा है, तो अभी तक हम बाहर के मंदिरों में, बाहर के तीर्थों में भटक रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो अब वहाँ से ऐसे हो जाओ तो इधर आ गए, बस घर में आ गए। अब घर के बाहर अगर तुम रहोगे तो शांति कभी नहीं मिल सकती। शांति के लिए तो आपको घर में लौटना होगा।